हूँ जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छे हों और अच्छी सेहत में हों, अच्छी एनर्जी में हों। सुनेत्रा जी ने एक वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो में देयर वाज दिस गाय, कोई ऑब्वियसली कोई नॉलेजेबल पर्सन थे जिनको पुराणों और वेदों का ज्ञान है और सब कुछ है, उन्होंने पढ़े हुए हैं। एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कि क्यों क्या है युग परिवर्तन, एक्चुअली जब होगा कलयुग खत्म होगा तो उसके क्या साइंस होंगे, और देन ही वाज एक्सप्लेनिंग कि क्यों वो नहीं हुआ है। बट मेरा फोकस ज़्यादा आ गया साइंस पे कि उसके क्या साइंस होंगे। एंड आज मैंने बैठ के आई डिड माय लिटिल बिट ऑफ होमवर्क फॉर मी, तो आज मैंने बैठ के वो सारे साइंस जो हैं आई रोट डाउन ऑल दोज साइंस एंड देन आई ट्राइड टू फिगर आउट कि ये साइंस वाकई में हुए हैं या नहीं हुए हैं, या वाकई में होने हैं या हमें वेट करना है, या अभी युग चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? सो वो सब हाँ जी उषा जी, मैंने वही कार्ड्स निकाले हैं आज, ऑल हिंदू वर्ड्स। तो वो सब समझ के मैं कुछ पॉइंट्स लाई हूँ जो हमारे महाभारत में लिखा है या जो पुराणों में लिखा है, जो जो भी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, जो श्लोक्स में लिखा गया, श्लोकों में लिखा गया है कि क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कलयुग अंत हो रहा है। और आई हैव गॉटन सम पॉइंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं एंड विद ऑल ऑफ दैट आई वांटेड टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड कि क्यों देर इज़ अ चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग, सी आई एम नॉट समबडी जिसने पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, आई एम नॉट समबडी जो बहुत ज़्यादा रीडिंग में है, लेकिन वन थिंग दैट आई एम श्योर आई कैन बी श्योर अबाउट इज, आई कैन बी वेरी श्योर अबाउट इज, जब डाउनलोड आता है तो आई गेट सम थिंग्स विच आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, और जिसके लिए मुझे जो चीज़ें मुझे पता भी नहीं होती हैं, और वो जब आती हैं या वो आप जब बाहर निकलती हैं मुँह से, तो आई नो दैट देर इज़ सम कनेक्शन, देर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग, राइट? तो मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जितनी भी थोड़ी सी दिमाग, मतलब जो भी नॉलेज है, जितनी भी थोड़ी सी डाउनलोड है, उनके बेस पे जो मुझे समझ में आया, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। नाउ एक चीज़ जो बहुत लाइक अ बिगेस्ट प्रॉब्लम जो युग चेंज वाला जो है ना, समझने में दिक्कत होती है युग परिवर्तन, इज बिकॉज पीपल थिंक के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल, राइट? एंड देन दे थिंक दैट अगेन इट विल बी सतयुग, बट ऐसा होता नहीं है ना, इट इज ऑलवेज 1 2 3 4 4 3 2 1, सो इट इज 1 2 3 4 3 2 1, दैट इज हाउ यू गो। आप 1 2 3 4 और फिर 1 पे छलांग नहीं मार सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज, एंड दैट इज द ड्रास्टिक चेंज जिसके बारे में पीपल आर वेरी फेयरफुल कि कयामत आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, धरती फट जाएगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे कम फ्रॉम जब आप सोचते हो कि 4 से यू आर गोइंग टू गेट टू 1, ओके, बट इट इज नॉट 4 से यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट एट 1, 4 से यू आर गोइंग टू गेट बैक टू 3, विच मीन्स दैट त्रेता से आप फिर से द्वापर में जाओगे, फिर से कलयुग से आप फिर से द्वापर में जाओगे, फिर से त्रेता में जाओगे, और दैट इज व्हेन सतयुग कम्स। तो एक्चुअल अगर बोलो सतयुग की बिगिनिंग, येस इट देर इज लॉट ऑफ टाइम, लेकिन कलयुग का अंत और द्वापर की बिगिनिंग, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, ओके? अब मैं आपको बताती हूँ कुछ साइंस जो श्लोक में लिखे हैं या जो हमारी बुक्स में है या जो ऋषियों ने लिखे हैं या जो महाभारत में बोले गए हैं अबाउट कलयुग के चेंज की, एंड देन कल मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों युग परिवर्तन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ओके? तो कल मैं आपको वो साइंस बताऊंगी जो एक्चुअल में युग परिवर्तन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला साइन जो वो जो श्लोक है, सबसे पहला साइन जो है विच इज कि इंसान का शरीर जो है छोटा हो जाएगा, तो बेसिकली दैट से क्षीण, राइट? क्षीण का जरूरी मतलब नहीं है कि बॉडी छोटी हो जाएगी या हाइट छोटी हो जाएगी, दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंसान की बॉडी जो है वो छोट एज एन क्षीण हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाएगी, हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी, यू विल ऑल बी डिपेंडेंट अपॉन मेडिसिन एंड
लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, नेगेटिव काइंड ऑफ फूड, एंड यू विल नॉट बी इन अ गुड हेल्थ. आप अच्छी हेल्थ में नहीं रहोगे एंड दैट विल बी द एवरेज थिंग. लाइक ऐसा नहीं है कि हर ही बंदे की हेल्थ खराब होगी, लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखो तो ऑलमोस्ट हर बंदे को हेल्थ का कोई इशू है. ऑलमोस्ट हर इंसान कोई ना कोई मेडिसिन लेता है किसी ना किसी चीज़ की. तो हमारा जो बेसिक इम्यून सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, इट हैज़ गॉन वेरी क्षीण, वो बहुत वीक हो चुकी है. येस, वेरी वीक, राइट? दिस इज द फर्स्ट साइन कि शरीर छोटा हो जाएगा. तो छोटा डजेंट मीन कि लिटरली छोटा हो जाएगा, बट दैट मीन्स दैट बॉडी बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट? अगर आप हाइट की बात करो तो नॉट नेसेसरली एवरीवन विल बी इन द सेम हाइट, बट हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है. यू सी द लॉट ऑफ पीपल जो जिनकी जो एवरेज जो हाइट है वो बहुत कम है. वी नो कि सबसे छोटी दुनिया की जो लड़की है हम उसको देखते हैं, बट नॉट नेसेसरली शी इज़ द ओनली वन. सो एक्चुअली एक लेवल पे वो मिनिमल हाइट शुरू हो चुकी है ऑलरेडी. इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग. अगर आप हाइट की भी बात करो, 2 feet, 1.5 feet, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग. ओके, लास्ट पिछले 100 सालों के बीच में दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग. ओके, सो वो हुई है. सो दोनों टर्म्स जो हैं वो फिट बैठती हैं जो कलयुग में हो चुका है. अच्छा, दूसरा, दे सेड दैट सनातन धर्म का नाश होने लगेगा. राइट, सनातन धर्म का नाश हो रहा है. सनातन धर्म इज नॉट, आप उसको किसी एक उससे रिलेट नहीं कर सकते हो कि हिंदू ही है या यही है या सिखी है या यही है, बट सनातन धर्म एक्चुअल में जो एक्चुअल ह्यूमैनिटी है, एक्चुअल कैटेगरीज को ना देखना, हर एक पे इंटरडिपेंडेंसी होना, हर किसी को बराबर समझना, हर किसी को सेम लेवल पे समझना, उसका नाश डेफिनेटली हो चुका है. हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हर एक इंसान दूसरे इंसान को अपने से छोटा ही समझता है. तो वो जो नाश है बुद्धिमता का, कैटेगरीज बहुत स्ट्रांग होना, कैटेगरिकल डिफरेंस जो है वो होना, कैटेगरी के बेस पे एक दूसरे पे अटैक करना, धर्म के बेस पे एक दूसरे पे अटैक करना हो रहा है. राइट, दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट था, दैट इज जो राजा है वो वेद पद से बहुत दूर चला जाएगा. मतलब जो राजा है वो गुंडे डाकू वो लोग राज करेंगे. तो थिंक अबाउट हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें मैक्सिमम कौन है, राइट? सो हमारे मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो हैं वो गुंडे डाकू चोर उचक्के क्रिमिनल्स हैं, राइट? सो दैट इज अगेन हैपनिंग. ओके, अच्छा, उसके बाद धर्म के नाम पे दूसरों को धोखा दिया जाएगा. हैपनिंग, वी नो कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे दूसरों को ठगते, कितने तो जेल में पहुंच चुके हैं, कितने बाबे और बापू और चाचू सब जेल में पहुंच चुके हैं धर्म के नाम पे. दे उन्होंने वाकई ही में धर्म का मजाक उड़ाया है या धर्म के नाम पे लोगों को ठगा है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अननेसेसरली वायलेंस होगा, हो रहा है. देर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे वायलेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, बट एवरीबडी रिजॉर्ट्स टू वायलेंस. सो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के कारण हो, चाहे नॉर्मल लोगों के कारण हो, बट अननेसेसरी वायलेंस जो है वो हो ही रहा है. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग एंड बिग टाइम हैपनिंग. ओके, अच्छा, दूसरा, जो गृहस्थी के नियम हैं उनका पालन नहीं किया जाएगा. लोगों के घर ही आश्रम बन जाएंगे, आश्रम ही घर बन जाएंगे. यू गाइस सी दैट हैपनिंग, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिग टाइम. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को ही आश्रम में तब्दील कर लिया है. नॉट नेसेसरली वहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग, राइट? गुरुकुल्स खत्म हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली घर ही आश्रम और आश्रम ही घर बन गए हैं. शादी सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप्स को पूरी करने के लिए होगी, राइट? शादी एक्चुअली फिजिकल रिलेशनशिप्स को पूरी करने के लिए हो रही है. इफ फिजिकल रिलेशनशिप्स पूरी नहीं होती हैं तो यू रिजॉर्ट टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और वो बिल्कुल नॉर्मल एक रूटीन हो गया है. देयर हैज बीन डिवोर्सेस हैपनिंग लेफ्ट राइट सेंटर, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बहुत सारे समय से. ठीक है, अब एक और चीज जो उसमें आई थी, पेड़ जो है वो छोटे हो जाएंगे. तो बोनसाई तो हम देख ही रहे हैं, और जिस हिसाब से हमारी हालत है, देश की हालत है, छोटे मतलब दो तरह से, एक बहुत कम हो जाएंगे, ऑलरेडी बहुत कम हो चुके हैं छोटे. हम सब अगर किसी ने अपने घर के वहां जहां पे भी छोटी मोटी ग्रीनरी लगानी है, कट कर देते हैं, पेड़ को बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि मेंटेन करना मुश्किल है, या बहुत बड़ा हो जाएगा या गिर जाएगा. तो डेफिनेटली वी आर रिजॉर्टिंग टू पेड़ छोटे, तो वो भी हो रहा है. देयर आर, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिग टाइम. ठीक है, अच्छा, उसके बाद
जहां जल दिखाई देगा लोगों को लगेगा यही पवित्र स्थल है, यहाँ पे ही पुण्य कर्म कर दो, या कोई भी आस पड़ोस की नदियां जो हैं उनके लिए वही बेसिक स्थल हो जाएगी। हैपनिंग, अगर आप देखो किसी टाइम पे जब गणपति होता था और गणपति जी को समंदर में बहाया जाता था, और आज के टाइम में मैंने देखा है पिछले कई कई सालों से, मैं 10-15 साल पहले से भी बात कर रही हूँ कि जब गणपति का फेस्टिवल होता है तो नालों में कहीं पे भी थोड़ा सा पानी दिख जाए वहाँ पे ऐसे मार मार के गणपति की मूर्ति को अंदर डाल दिया जाता है कि विसर्जन हो गया। सो दैट इज हैपनिंग, दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग कि जहाँ पे भी थोड़ा सा पानी दिखा, चाहे गंदा है चाहे कुछ है, दैट इज इट, वहाँ पे पुण्यकर्म कर दो। ओके, सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। पेड़ वाला पॉइंट बेटा, पेड़ कम हो गए हैं एंड पेड़ों की हाइट जो है वो कट कर दी जाती है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, राइट? क्या अगर आप पार्क्स वगैरह पे देखो तो ज्यादातर बोनसाई लगते हैं या ऊपर से कट कर दिए जाते हैं, तो यू डोंट सी बिग ट्रीज वेरी ऑफन नाउ, धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो आई थी वो थी 5 से 7 वर्ष की उम्र में जो बच्ची है वो बच्चे को जन्म देगी। एक काम, इसके लिए आपने एक काम करना है, गूगल करना है, एंड गूगल करके अगर आप देखोगे ना यंगेस्ट मदर, यू विल फाइंड 1933 से, यू विल फाइंड नॉट ओनली नाइन अभी 1933, 5 साल, 5.5 साल की बच्ची हु गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, जिसका पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, उसके फादर ने किया या किसी और ने किया, बट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड कि 5 साल की बच्ची ने, 5 साल की बच्ची ने बेबी कंसीव किया और सिजेरियन से वो बेबी बाहर आया, तो 1933 में हो गया था वो, तो उसके बाद भी हम कितने आगे आ चुके हैं, विच मीन्स दैट यस कलयुग इज एंडिंग, क्योंकि वो 1933 में हो गया था, तो दैट वाज अनदर पॉइंट। अच्छा, उसके बाद गाय छोटी हो जाएगी, गाय जो है वो कुत्ते के साइज की गाय जो है वो हो जाएगी, गाय छोटी हो जाएगी। गूगल कीजिए, यू विल फाइंड अ ब्रीड ऑफ काउज जो क्रिएट की गई है विच इज़ अ साइज ऑफ अ डॉग, तो वो ब्रीड जो है वो वाकई ही में डॉग के साइज की है और काउ वाकई ही छोटी हो गई है। ओके, अकाल पड़ेंगे, पड़ रहे हैं, टैक्स बढ़ जाएंगे, यू सी बहुत सारे कंट्रीज में टैक्स की अति हो चुकी है। लोग जो है वो जो ब्राह्मण है बेसिकली सिर्फ एक धागा पहन के लोग अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करेंगे, डिडंट वी सी इट, हमने देखा है और बहुत क्लियरली देखा है, एंड वी नो हु, राइट? सिर्फ एक धागा पहन के अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करने वाले, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। ओके, व्यक्ति जो है बहुत चालाक और स्वार्थी हो जाएगा, हैपनिंग। अदालतों से न्याय नहीं मिलेगा, हैपनिंग। हर किसी का जो लक्ष्य होगा वो सिर्फ अपना पेट भरना होगा, हैपनिंग। उसके बाद सिर्फ नदी में स्नान करके या जल में स्नान करके लोगों को लगेगा कि वो पाप से मुक्त हो गए हैं, इजंट इट हैपनिंग? दिन जिंदगी भर के पाप करो और गंगा में जाके डुबकी लगा लो, हम क्लियर हो गए, हैपनिंग। भ्रूण भ्रूण हत्या की जाएगी, बेबी को कोख में मारा जाएगा, हैपनिंग। शरीर का व्यापार होगा, हैपनिंग। लोग कठोर और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हैपनिंग। सो ये बेसिक चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज, समवेयर इट इज रिटन कि जो एवरेज एज है, एवरेज एज 21 हो जाएगी। अब जो एवरेज एज है ना उसको आप दो तरह से देख सकते हो, दैट ऑल्सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू गाइज, दो तरह से देख सकते हो। एक होता है एवरेज एज, मतलब जितने लोग हैं उनमें से जितने लोग मरते हैं वो मरने की एज जो है दैट इज एन एवरेज एज, ठीक है? तो अगर आज के टाइम में जब हम एवरेज एज देखते हैं, डेथ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम एवरेज एज देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने लोग बूढ़े होकर मरे, कितने लोग जवान होकर मरे, वी डोंट सी द एक्सीडेंट्स, वी डोंट सी द चिल्ड्रन हु आर किडनेप्ड, वी डोंट सी द चिल्ड्रन हु आर किल्ड, बहुत, वी डोंट सी द जो बेबीज हु आर किल्ड इन द स्टमक, हम नहीं देखते हैं कि बेबी कितने स्टमक में मारे गए, कितने बच्चे किडनैप होके मारे गए, कितने लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कितने लोग अदरवाइज मारे गए, दैट इज ऑल्सो एन एज फैक्टर, राइट? कितने हार्ट अटैक से मर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एज फैक्टर, क्योंकि जब कॉस्मोस डेथ की बात करता है ना तो वो इस बेस पे नहीं करता है कि नेचुरल डेथ, कॉस्मोस जब डेथ की बात करता है इट इज ऑल रीजंस ऑफ डेथ, राइट? एंड अगर आप उस हिसाब से एवरेज एज निकालोगे ना तो एवरेज एज 21 ही निकलेगी, 21, 22,
उससे ज़्यादा नहीं निकलेगी, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे जो है वो भी मारे जा रहे हैं जिनको इस एवरेजेस में काउंट नहीं किया जाता है। तो हम सिलेक्टिव वे में करते हैं, कलेक्टिव वे में नहीं। लेकिन जब हम कलेक्टिव वे में करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एवरेज एज जो है ना वो एक्चुअल में सही हो गई है, एवरेज एज एक्चुअल में यही हो गई है। ओके, दूसरा मैंने बोला दो तरह से, तो दो दूसरे तरह से एक मेडन एवरेज एज होती है। वो क्या होती है कि वो एज जिससे ऊपर भी उतनी जनरेशन, उतने लोग हैं, उतनी पॉपुलेशन है, जिसके नीचे भी उतनी पॉपुलेशन है, और वो बीच की एज होती है। और अगर वो देखो आप, तो वो एक्चुअली में 20 से 30 के बीच की है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर वो एवरेज एज देखो कि एवरेज एज किस एवरेज पे ऊपर और नीचे के लोग, और वो एज जो है वो बीच में आती है, दैट इज अगेन 20 to 30 के बीच की। सो एक्चुअली जितने भी क्राइटेरियाज हैं टू एंड द कलयुग, जितने भी हमारे पुराणों में या बुक्स में कहीं पे भी जो भी क्राइटेरियाज लिखे हैं टू एंड द कलयुग, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। वो सब जो है वो इस टाइम पे हो रहा है। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि कयामत, राइट, कयामत आ जाएगी, और दैट इज पार्शली कयामत भी आप बहुत देख रहे हो, सच बिग अर्थक्वेक्स, इतने बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं या इतने बड़े बड़े फ्लड्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो कयामत, राइट। तो वो भी कयामत का ही पार्ट है, जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ जिनकी जान चली जाए बिकॉज ऑफ फ्लड्स, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, वो कयामत ही होता है। सो कयामत मतलब ये नहीं कि हम डायनासोर है ना, एकदम से मर जाएंगे सारे ही, नॉट दैट। एंड अगेन वो लोग, वो सेट ऑफ पीपल है जो सोचते हैं कि कलयुग जब खत्म होगा तो सीधा सतयुग शुरू होगा। द मैथ्स इज इनकरेक्ट। मैं मैथ की मैं बहुत खराब हूँ, लेकिन इतना मेरा सही है दैट एक चार के बाद दोबारा एक नहीं आएगा, इट विल गो रिवर्स, 3 2 1। तो कलयुग से हम द्वापर की तरफ जाएंगे, और अभी प्रेयर कर लेते हैं। कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों हम, मैं बोल रही हूँ कि हम कलयुग से द्वापर की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो मैं कल आपके साथ कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंटर्स, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कलयुग की समाप्ति के और द्वापर की बिगिनिंग के बीच के सेंटर पॉइंट्स हैं, सो दैट हम देखें कि कहाँ। एंड यस, द्वापर, द्वापर मेन, द्वापर से पहले सुशी आएंगे, कृष्णा आएंगे, सुशी आएंगे। यस, मैंने फोटो भी उन्हीं की लगाई है ना, द्वापर से पहले आएंगे। मैं कल कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर करूंगी अबाउट यू नो एंडिंग ऑफ कलयुग एंड ऑल्सो एंडिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू युगा हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम ज़रूर मैं बताऊंगी। कल की विल बी बॉर्न इन दिसंबर 2020 मे बी। मैं ये वो नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट गिव यू अ डेट, अ ईयर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूँ, आई डोंट डू कैलकुलेशन। बट हाँ, मैं आपको सिम्टम्स और जो साइंस हैं वो मैं बता सकती हूँ कि क्या है और क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये शुरू हो चुका है, राइट। मैं एक और चीज़ बोलनी है कि आप लोगों को, आप लोग भी सर्च कीजिए, ओके, सर्च कीजिए युग परिवर्तन के बारे में, सर्च कीजिए वो जो श्लोक हैं संस्कृत के, उनकी हिंदी पढ़िए, और फिर कम बैक विद क्वेश्चंस कि आपको क्या क्या और चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है कि ये हुई है या नहीं हुई है। कम बैक विद क्वेश्चंस एंड आपको वो क्वेश्चंस के, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट गिव यू आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, ओके। तो मैं आपको डेफिनेटली डेफिनेटली वो आंसर्स दूंगी। सतयुग सेनेका, यस, सतयुग इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट दैट डज नॉट मीन कि कलयुग विल नॉट एंड, राइट। कलयुग का एंडिंग का मतलब है, द्वापर का शुरू का मतलब है, द थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, द लाइफ्स आर गोइंग टू गेट बेटर, देयर इज गोइंग टू बी मोर बैलेंस। बट अगर आप सोचो कि 1 मिनट में अंधेरा खत्म हो जाए और उजाला ही उजाला हो, तो हम उसको ले ही नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी सो ह्यूज, सो पावरफुल, सो स्ट्रांग कि हम उस एनर्जी में जा ही नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दैट बिग शिफ्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारी भी एनर्जी उस तरह से चल रही है ना, तो हम उस शिफ्ट को ले ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज वाई इट इज नॉट इवन, मतलब किसी भी तरह से वो पॉसिबल नहीं है कि कलयुग एंड हो और सीधा सतयुग शुरू हो गया। दैट इज ओनली जब डायनासोर की तरह हम खत्म हो जाएं और नई लाइफ फिर से शुरू हो।